नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT बुक्स के बारे में, जो आपके लिए यानी कि IAS या सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट PCS की तैयारी आप लोग करते हैं, तो उनके लिए जो जो भी आपकी NCERT जरूरी है उन सभी को हम लोग कवर कर रहे थे। तो बता दें, कक्षा 6वीं से हम लोग कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स जो भी आपके लिए जरूरी हैं वो सभी कवर भी कर चुके हैं। उसकी जो भी PDF थी वो आपकी टेलीग्राम पर भी डाल दी गई है। और कक्षा 10वीं की भी हम लोग 3 बुक्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहली बुक्स थी लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, और समकालीन भारत सेकंड, आर्थिक विकास की समझ। ये 3 बुक्स हम लोग कक्षा 10वीं की भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम लोग चौथी बुक्स के बारे में, भारत और समकालीन विश्व सेकंड। ठीक है, ये कक्षा 10वीं की है, याद रखना आपका इतिहास की। एक बात यहाँ आप लोग याद रखिए, आपकी जितने भी क्लासें होंगी कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की, वो सभी NCERT पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं सभी लेक्चर। और आपकी जो भी PDF है वो सभी टेलीग्राम पर डल दी गई है, तो वहां से देखते रहिएगा। ठीक है, और इसे 1 से 2 बार आपको 2-3 बार पढ़ना है सभी NCERT बुक्स को। और याद रखिए, जब भी आप लोग खरीदने जाते हैं तो उस मेन पेज पर आपका यही लिखे लिखा मिलेगा कि भारत और समकालीन विश्व सेकेंड दूसरा। और याद रखिए, आप लोग सभी जो जो आपको चाहिए वो सभी बुक्स के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है NCERT की। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, टेलीग्राम से सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से देख भी सकते हैं कौन कौन सी बुक्स आपको जरूरी है। तो आज हम लोग बात करते हैं इसमें आखिर पढ़ेंगे क्या क्या, हम लोग भारत और समकालीन विश्व सेकंड में आखिर पढ़ेंगे क्या क्या। बड़े धैर्य के साथ इन्हें पढ़िए, मुझे अभी तक नहीं लगा कि कोई ऐसा इसमें आपको देखने को मिले कि जो आपको समझ में ना आए। आपका बेस मजबूत करने के लिए आपको ये बुक्स पढ़ने की सलाह दी जाती है, और बहुत ही साधारण शब्दों में, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर आप 1-2 बार मन से पढ़ते हैं धैर्य रखकर, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ना तो आपको किसी की जरूरत भी पड़ेगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि कोचिंग जब आप करते हैं तो वहाँ आपको NCERT पढ़ाई नहीं जाती है, वहाँ स्पेशल जो भी बुक्स होती है टेक्स्ट बुक उन्हीं को पढ़ाते हैं। कह दिया जाता है कि आप लोग NCERT पढ़ लें तो समय रहते हुए पढ़ लें, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, ये आपको पढ़ना ही है। फिर आज पढ़िए, चाहे 2 साल निकल जाए उसके बाद पढ़िए। भारत का संविधान उद्देशिका, मुझे लगता है कि उद्देशिका आपको रट चुकी होगी ये, क्योंकि आप लोग इतने बार हर बुक्स में पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू तो हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जाकर पूरी तरह से लागू हुआ है। इतना भी ये भी पॉइंट याद रखिए, और याद रखिए पूरा संविधान आपका इसी उद्देशिका के आसपास घूमता हुआ मिलेगा। और आपके देश की एक प्रमुख मतलब खासियत भी बताती है उद्देशिका, समझ रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र किस तरह से सक्सेस रहा है हमारे यहाँ। बस ये मतलब है इसका पढ़ने का कि इससे आपकी नींव भर जाएगी, यानी कि आपकी मजबूत बेस मजबूत हो जाएगा। कुछ शब्द रहते हैं, आप जानते हैं कि राजनीति में कई अधिकार, कहीं आप हिस्ट्री में देखते हैं कई शब्द ऐसे रहते हैं, तो आगे चल के उनके मतलब आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। जब आप लोग स्पेशल बुक्स पढ़ते हैं तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मैं तो कहता हूँ, जैसे आप लोग पॉलिटी की ले लीजिए, तो पॉलिटी की NCERT पढ़ लीजिए, एक कोई स्पेशल बुक से ले लीजिए, फिर चाहे M लक्ष्मीकांत ले लीजिए, बस इतना काफी है आपके लिए मटेरियल। NCERT प्लस पॉलिटी में आप M लक्ष्मीकांत भी बढ़िया पढ़ सकते हैं। ज्यादा हाव भाव मतलब नोट्स मत इकट्ठा करा करिए, वरना देखता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि पूरा रूम भर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते कुछ नहीं है, और सामने इतनी बुक्स रहती हैं, तो मुझे लगता है कि यही आदमी टेंशन में बना रहता है कि कौन सी बुक्स पढ़ूं पहले। तो कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए बस। ठीक है, और NCERT को 2 से 4 बार, कम से कम 2 से 3 बार तो पढ़ ही लें, जब भी आपको टाइम मिलता है
तो वहां पढ़ते रहिए। तो इसमें आप लोग ए विषय सूची दी गई है आपकी, इसमें पढ़ेंगे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में हम लोग वैसे भी पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन करेंगे विस्तार से बात करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, यूरोप के बारे में भी देखेंगे, दूसरे अध्याय में भारत के बारे में भी जानेंगे, तीसरे अध्याय में हम लोग भूमंडली के विश्व का बनना देखेंगे, फिर चौथे अध्याय में उद्योगीकरण का योग देखेंगे और पांचवें अध्याय में हम लोग मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पांच अध्याय इसमें इस बुक्स में होंगे आपकी। तो चलिए हम लोग पहला अध्याय इसमें बात करेंगे आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।